वेलकम दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल ड्रीम टीम्स फैंटेसी प्लेयर्स चैनल। तो गाइस कल यहां पे मैच जो होता हमारा, ठीक है, काफी सुपर गया। उम्मीद करता हूं प्रेडिक्शन भी काफी अच्छी गई, लोगों ने काफी अच्छा वोन किया अगर वीडियो पूरी देखी होगी तो। आज बात करेंगे बीएलआर और एसआरएच यानी बेंगलोर और हैदराबाद का जो मैच खेलेगा इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। ग्रैनिक के बारे में बात करेंगे, हेड टू हेड थ्री मेंबर का इनका रिकॉर्ड जो रहा है उसके बारे में बात करेंगे और कौन से प्लेयर आपके किस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, आपसे रिक्वेस्ट है कि यार पूरा देखोगे वीडियो तब आपका माइंड सेट होगा कि आपको किस तरह की मतलब टीम्स आपको ग्रैनिक में उतार रही है। ठीक है, कुछ नहीं यार, 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, बस पूरा देखो उसके बाद अपना माइंड सेट लगाओ भाई। प्रेडिक्शन काफी सुपर जा रही है, ठीक है। बाकी इस मैच में भी आपको 2 गुना कैश का गिवअवे मिलेगा। कल्टर नाइल के बारे में मैंने बोला था भाई क्या सुपर परफॉर्मेंस देगा, जेमी निसाम के बारे में बोला था वो सुपर परफॉर्मेंस भाई, क्या नाम आपका, मतलब यार हर किसी की परफॉर्मेंस सुपर रही। ईशान किशन के बारे में तो भाई टॉप ही गई, ठीक है। चलिए बात करते हैं बैंगलोर और एसआरएच का जो अब तक का हिसाब किताब है, ठीक है। बैंगलोर के चांसेस हाई है प्लेऑफ के मैचेस खेलने के, ठीक है। तो आज इनके लिए इंपॉर्टेंट मैच रहेगा बैंगलोर के लिए कि कौन सी टीम समय में मैच यहां पर मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा केवल बीएलआर के लिए। हेड टू हेड जो इनका रिकॉर्ड रहा है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या इन दोनों का अब तक का हेड टू हेड रिकॉर्ड रहा है। उससे पहले फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हमारे चैनल पर ग्रैंड लीग का कंटेंट आपको मिलता है जिससे आपको हेल्प मिलती है कि ग्रैंड लीग में आपको टीम्स किस तरह की उतारनी है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, बाकी अगर वीडियो लाइक नहीं करी एंड में जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो भैया लाइक जरूर करना, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से आप डायरेक्टली हमारे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। अब दोनों टीम्स की बात करें हेड टू हेड की, ठीक है। 10 मैच तो यहां पे एसआरएच ने जीते हैं, केवल 10 मैच एसआरएच जीते हेड टू हेड में और 8 मैच ये जीते हैं, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि दोनों टीम्स में कितना बड़ा फैसला, कोई फैसला नहीं है। और इतनी गजब की चीज इनके बारे में बताऊंगा आप भी याद करोगे कि हाँ भाई टीम में क्या बताया था, ठीक है। बस वीडियो को देखते रहना, ठीक है। 8-10 मैच इन दोनों के बराबरी का, कोई मतलब ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। ये 10 इसलिए क्योंकि यहां पर उस टाइम वॉर्नर वगैरह हुआ करते थे, अभी फिलहाल वॉर्नर बाहर देखते हैं आएंगे नहीं आएंगे मैच के लिए, तो वॉर्नर वगैरह होते थे इसलिए उनके हाई रन रहते थे, तो इस वजह से इनकी टीम प्लस में रहती थी, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे दोनों टीम्स में से, मतलब दोनों टीम जब खेलेंगी इस पिच पे सेक जाए तो स्टेडियम में यहाँ पे खेला जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट इन सेकंड में आपको पता है किस तरह से इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सब कुछ बताऊंगा। बाकी फ्रेंड अगर आप लोग अभी भी अपना इन्वेस्टमेंट अगर हेड टू हेड थ्री मेंबर का अदर ऐप पर कर रहे हो बंद कर दो, बैटबॉल 11 विजन 11 अभी सबसे लेटेस्ट में बेस्ट ऐप है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ में रेफरल कोड चंद123 जरूर यूज करना कि भाई यहाँ पे एंट्री फीस बहुत कम है अदर ऐप के मुकाबले। एक बार ऐप को यूज करने देखो, अगर बेकार लगना गारंटेड कह रहा हूँ अनइंस्टॉल कर देना, पर ये भी अच्छी चीज गारंटी है ऐप एक बार अगर इंस्टॉल कर ली तो खेलना यहीं पर स्टार्ट करोगे क्योंकि बहुत पैसा बचा लोगे, बहुत पैसा इन दोनों ऐप पे केवल, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं विराट कोहली नंबर 1 भाई यहाँ पे पिच पे अगर विराट कोहली खेल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इनकी टीम पहले बैटिंग कर रही है, बैंगलोर की टीम पहले बैटिंग कर रही है, तो आपके लिए विराट कोहली काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। विराट कोहली काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगर यहां पे इनकी टीम बाद में बैटिंग कर रही है तो आपका पर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट बनेगा, विराट कोहली इतना खास नहीं रहेगा सेकंड इनिंग बैटिंग में। अगर यहां पे बैटिंग पहले कर रही है विराट कोहली और यहां पे अगर ये पर्टिकल जल्दी आउट हो गया तो भाई यहां पे शिखर भरत खेलने के लिए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे मैक्सवेल उसके बाद आपका दोनों सिचुएशन में इंपॉर्टेंट रहेगा, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग, क्योंकि बॉल से भी आपको पॉइंट साथ देगा, ठीक है। उसके बाद एवीडी अगर यहां पे रन्स भाई अच्छे बन गए, ठीक है, अगर यहां पे दोनों ने इन्होंने रन अच्छे बना दिए तो यहां पे एवीडी आ जाएगा खेलने के लिए जल्दी क्योंकि ना रन ज्यादा चाहिए, तो हो सकता है भरत का डाउन काफी नीचे रहे, चाहे विकेट गिरे या ना गिरे भरत तो शायद आज नीचे ही लाएंगे, ठीक है। उसके बाद डेनियल किशन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा क्योंकि यहां पे भाई हो सकता भाई रन्स भी करता कोई भरोसा नहीं क्योंकि मिडिल ऑर्डर में रन्स बन जाते हैं, तो कुछ टीम्स में जरूर रखना, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। बाकी फ्रेंड यहाँ पे एस अहमद आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, एस अहमद दोनों सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट प्लेयर है क्योंकि ये भाई कम से कम आज 3 से 4 ओवर करता हुआ आपको नजर आ जाएगा आज के मैच में, ठीक है। स्कोर ध्यान रखना 150 के अंदर ही बनेगा। और दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा इनके बारे में, दोनों टीम जब खेलती है ना भाई रियली बता रहा हूं, एक टीम की तरफ से 7 विकेट मान लो, एक तरफ से 8 विकेट मान लो, ठीक है, एक तरफ से 6 विकेट मान लो, एक तरफ से 9 विकेट मान लो, या फिर एक तरफ से ऑल आउट मान लो, यानी दोनों टीम जब खेलती हैं तो भाई यहां पे विकेट्स भर भर के गिरती हैं, तो आपको कोशिश करनी है कैप्टन वाइस कैप्टन केवल बॉलर्स या ऑलराउंडर्स, इनके अलावा बैट्समैन ट्राई करोगे भूल जाना कि आपने पैसा लगाया टीम में, पैसा वापस आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आज आपके ऑलराउंडर्स और यहाँ पे बैट्समैन सॉरी बॉलर से रहने वाले, बताऊंगा आगे कैसे कैसे आपको ट्राई करना, ठीक है। गॉर्डन एक प्लेयर है भाई, अगर ये बंदा पहले बॉलिंग करेगा यानी इनकी टीम बैंगलोर की टीम पहले बैटिंग करेगी तो आपको गॉर्डन को कुछ टीम्स में ट्राई कर लेना है, ठीक है। और हर्षल पटेल, ठीक है, हर्षल पटेल यहाँ पे एक
और दूसरा यहाँ पे मोहम्मद सिराज। इन दोनों की जोड़ी तब बनाना जब इनकी टीम पहले बॉलिंग करेगी। अगर बैंगलोर की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो ये दोनों आपको परफॉर्मेंस देते हुए जरूर दिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद चहल एक मात्र प्लेयर बचता है जो आपको सेकंड इनिंग में ट्राई करना है। अगर इनकी टीम बाद में बॉलिंग करेगी तो आपको चहल को ट्राई करना है, ठीक है। तो ये तो था टोटल हमारा बेंगलोर का, जो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग कैसे रहेगा, हेड टू हेड में क्या इनका हिसाब किताब है, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका दोनों टीम्स का। तो गाइस अगर कुछ मिस हुआ कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई मिलेगा। बाकी मैंने दो टीम्स आपको दूंगा मैं ग्रेलिक के कॉम्बिनेशन, साथ में इसमें आप कुछ चेंजेस करके आप बाकी टीम्स बना सकते हो। अब चले बात करते हैं भैया हमारा गिव भाई, अब तक किसी ने भी वॉन नहीं करा यार, किसी ने भी वॉन नहीं करा गिव। पार्टिसिपेट करो भाई यार, वॉन करो भाई, यहाँ पे हद है यार। पार्टिसिपेट रखते किसके लिए भाई, मैंने गिव किसके लिए, आप लोगों के लिए। अगर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दो गुना कैश का गिव है आज आपको, ठीक है। हमारे विराट कोहली जो प्लेयर है ना ये, ठीक है, विराट कोहली आपको कितने रन्स मारेंगे, ठीक है, प्रेडिक्ट करना आपको कितने रन्स मारते हैं। कि यहाँ पे अगर मान लो, मतलब क्या नाम है, जो हमारे बैट बॉल लेवल है, कितने मारे, कितने पॉइंट हमें देंगे। मान लो कहते हो कि भाई बैट बॉल रन में 100 पॉइंट देगा एज ए कैप्टन, ठीक है, एज ए कैप्टन अगर 100 पॉइंट देगा तो 100 को गुणा कर दो 2 से, आपका 200 रुपए का पेटीएम कैश बन जाएगा, ठीक है। चाहे 100 पॉइंट दे चाहे 200 पॉइंट दे, मगर यहाँ पे विराट कोहली आपका करेक्ट होना चाहिए। मतलब इतने पॉइंट भाई इस बंदे ने दिए, 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे भाई हो जाता, कोई भगवान नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जो बिल्कुल करेक्ट बता देगा। करेक्ट तो भाई तभी बताएगा जब मैच खत्म हो जाएगा, ठीक है, उससे पहले नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस तरह से आपको कमेंट करना, बता देना विराट कोहली आज हमारा जो स्टार प्लेयर रहने वाला है बेंगलोर की तरफ से, ये देखते हैं कितने पॉइंट आपको बैट बॉल लेवल पे देते हैं, तो बैट बॉल पर जरूर रखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं टीम नंबर 2 भैया हमारी, यहाँ पे SRH जो हमारे जिनके सामने मुकाबला है। जैसे मैंने आपको बताया 10 मैच है, 2 मैच से आगे, तो यहाँ पे जेसन रॉय और रिद्धवन शाह, ठीक है। विकेट कीपर तो भैया एक ही ऑप्शन है, आंख बंद करके मैं तो आज शिखर भरत को तो ट्राई नहीं करूंगा किसी भी हाल में विकेट कीपर में, ठीक है, एक ही ऑप्शन है वो हमारा रिद्धवन शाह है। तो ये तो भैया है सीधा रिजर्व, इसको तो छूना भी नहीं है। अब बारी आती है यहाँ पे जेसन रॉय और केन विलियमसन, ठीक है। दो प्लेयर आपके ऐसे हैं जिनको आपको ट्राई करना है एक एक करके, एक टीम में एक, एक टीम में एक। और आज हाई चांसेस मेरे को यहाँ पे जेसन रॉय के थोड़ा लग रहे हैं कि आज ये थोड़ा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि 2 मैचों से बिल्कुल निल गया है, ठीक है। तो आज ये आपको अच्छी थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिख सकते हैं, ग्रैंड लीग का प्लेयर एटलीस्ट बन सकता है, ठीक है। ये दो प्लेयर है केन विलियमसन और जेसन रॉय, इन दोनों को एक एक करके ही ट्राई करना, ध्यान रखना दोनों को एक साथ ट्राई करने की गलती मत करना। बॉलिंग पिच है यहाँ पे, रन कम बनते हैं, विकेट यहाँ पे ज्यादा गिरती है, ठीक है। स्पेशली तब भाई जब अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी ना तो भाई मत ही रखना, किसी एक को ही रख लेना। और कुछ टीम्स ऐसी बना देना जिसमें आप इन दोनों में से एक को भी ना रखे, केवल रिद्धिमान शाह के साथ अभिषेक शर्मा या फिर ब्रायन गर्ग को, या फिर इनकी शाह के अलावा किसी और को ना रख के केवल यहां से किसी एक बैट्समैन का एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, ठीक है। इस तरह की टीम्स भी आप बना सकते हो, समझ में। हो सकता है भैया फ्लॉप चले जाए, ठीक है। अभी बैंगलोर को मैच जीतने की जरूरत है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद, जेसन होल्डर, यहां तक तो मैं कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा इन 3 प्लेयर्स को, ठीक है। मगर यहां पर जेसन होल्डर आपका काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा आज के मैच में, ठीक है। मैं खुद इनको कम से कम आज 10 टीम लगाऊंगा, 10 में से कम 5 टीम में मैं इनको अपना कैप्टन जरूर बनाऊंगा, ध्यान रखना जेसन होल्डर को। उसके बाद यहां पर राशिद खान भैया कहीं ना कहीं से आपको पॉइंट चुरा के दे ही देते हैं। भुवनेश्वर कुमार, अगर फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग होती है तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, सेकंड इनिंग में कोई खास इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा नहीं। उसके बाद यहां पर एक चेंजेस SRH की तरफ से दिख सकता है, संदीप शर्मा की जगह पर, मतलब संदीप शर्मा कॉल दोनों में से कोई एक ही खेलेगा लगता है मुझे ऐसा, क्योंकि यू मलिक जो है ना, ये भाई आज को मेरी ये मोस्टली टीम्स ना, अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करी, SRH की टीम अगर पहले बॉलिंग करा, ये यू मलिक आपका काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, बहुत कम लोगों की नजर में होगा, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। आप चेक कर लो भी ट्रिब्यून पर जाके कितनी इसकी परसेंटेज है, 7-8 हो गए मैक्सिमम, बहुत से बहुत 10, इससे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि लास्ट मैच में आया कुछ नहीं कर रही है, मगर ये प्लेयर काफी जबरदस्त है, आपको आज के मैच में स्पेशली पॉइंट्स अच्छे दे सकता है जब इनकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो। सेकंड इनिंग में ज्यादा रिजल्ट, एक विकेट की उम्मीद करूंगा इससे, बाकी देखते हैं क्या करता है, ठीक है। तो ये था गाइस हमारा टोटल दोनों टीम्स का एनालिसिस, उम्मीद करता हूं काफी कुछ आपको समझ में आएगा और काफी कुछ अब तक सीख चुकोगे किस तरह की आपको टीम्स आज के मैच में ग्राइंडिंग में उतारनी है, ठीक है। गाइस हमारा आइडिया होता है, आपका लक होता है, बात खत्म और कुछ नहीं, ठीक है। तो गाइस अब बात करें, दो टीम्स मैंने ग्राइंडिंग की बना रखी है। उससे पहले फ्रेंड, अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो, फायदे में आप लोग ही रहोगे, ठीक है। टीम नंबर वन में विकेट कीपर में हमारा फिक्स है रिद्धिमान शाह, रिजर्व भैया इसको तो छूना भी नहीं है।
एबीडी को रखा है और कोहली को रखा है, ठीक है, दोनों रखे हैं क्योंकि यहां पर इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी, ये सोच के मैंने टीम बनाई है। एबीडी को रखा है, कोहली को रखा और यहां पर एकमात्र प्लेयर केन विलियमसन, जैसे मैंने बताया एक एक को ही ट्राई करना। उसके बाद मैक्सवेल, अहमद, जेसन होल्डर, तीनों के तीनों ऑलराउंडर मैंने अपने इंपॉर्टेंट यहां पर रख लिए। उसके बाद यहां पर अगर इनकी टीम पहले बैटिंग है तो भाई युजवेंद्र चहल हमारे काम आएंगे सेकंड इनिंग में, मोहम्मद सिराज भी सेकंड इनिंग में एक आध विकेट निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राशिद खान और यू मलिक दोनों रखे हैं मैंने, क्योंकि भाई पहले बॉलिंग करेगा तो फिर कुछ ना कुछ आपको फायदा यहाँ पे दिलाने वाला है, ठीक है। तो इस यही टीम रहेगी मेरी टीम नंबर वन। कैप्टन की बात करें जेसन होल्डर, वाइस कैप्टन की बात करें ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि जेसन होल्डर आज आपको विकेट निकाल के देगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इन दोनों का कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई किया। अब बात करते हैं टीम नंबर टू। टीम नंबर टू का कॉम्बिनेशन एबीडी को रखा है, पटिकल को रखा है, क्योंकि यहां से मैंने विराट कोहली अपनी टीम से हटा दिया है। मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में बैटिंग करेंगे तो ये खास प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दे पाएगा, ठीक है। एबीडी रखा, पटिकल को रखा हुआ है, मैक्सवेल को रखा है, शहबाज अहमद को रखा हुआ है ऑलराउंडर्स में, और फिर से हमने अपना जेसन होल्डर ट्राई कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे केन विलियमसन थे, दूसरे में जेसन रॉय को ट्राई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं बॉलर्स। बॉलर्स में यहाँ पे हर्षल पटेल को रखा हुआ है और यहाँ पे मोहम्मद सिराज को रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये पहले बैटिंग करेंगे, यानी एसआरएच पहले बैटिंग करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया सिराज और पटेल की आप जोड़ी बना सकते हो आज के मैच में। राशिद खान और कॉल मैंने यहाँ पर निकाल रखे हैं, दोनों प्लेयर एक अलग से थोड़ा सा। बाकी यहाँ पे यू मलिक, कॉल की जगह पे यू मलिक को भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहेगी टीम नंबर टू का कॉम्बिनेशन। कैप्टन की बात करें हर्षल पटेल, जैसे मैंने आपको बताया धुआं उड़ा सकता है। वाइस कैप्टन की बात करें राशिद खान। तो ये रहेगी मेरी टीम नंबर वन और टू का कॉम्बिनेशन। गाइस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, पार्टिसिपेट नहीं किया गिवअवे में अब तक कर लो, यहां से आप डायरेक्टली मतलब यार भाई फायदा आप लोगों का, यार भाई मुझे भी अच्छा लगेगा यार, गिवअवे देते हैं मुझे भी अच्छा लगेगा और कुछ नहीं, मजा आता है और कुछ नहीं। तो पार्टिसिपेट जरूर करना, बाकी अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, अगर कुछ मिस हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट में दूंगा। भाई कुछ चीज अगर पर्सनल पूछनी हो तो पूछ सकते हो नीचे कमेंट में, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना, अगर कुछ क्वेरी हो तो वो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर शाम को टॉस के बाद। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।